हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आज शेयर करने जा रही हूँ ये जो है ना यहाँ का वीडियो है। ये जहाँ मेरा नया घर बन रहा है वहाँ पर मैं आई हुई थी और ये उस दिन की वीडियो है। मतलब एक दिन मैं आई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि आप सभी साथ शेयर करती हूँ। और पिछला वीडियो तो आपने देखा ही होगा और बहुत लोग कमेंट आ रहे थे मुझे, लेकिन मैं ना फिर सुनती हूँ, फिर उस चीज़ को इग्नोर भी करने की कोशिश करती हूँ, पर कुछ कुछ चीज़ें बुरी भी लगती है। तो फ्रेंड्स वो सारी बातें साइड में रखते हुए मैं यहाँ पर आप सभी साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और मैंने व्लॉग बनाया था तो बस वही मैं आप सभी साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपना जो भी रूटीन में जहाँ मैं जाती हूँ आती हूँ, और जितनी भी मेरे नए घर की जितनी अपडेट है, जितना काम हुआ है, वो मैं आप सभी साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ना बाहर का जो बाउंड्री है वो पूरा कंप्लीट हो गया था, और इसको हमने ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं रखवाया है। पहले तो हमने 5 फीट तक रखवाया था, लेकिन फिर हमने सोचा कि 5 फीट नहीं 6 फीट करवा देते हैं, क्योंकि 5 फीट अगर कभी फ्यूचर में जब रोड बनेगा, अभी तो रोड नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जब कभी रोड बनेगा तो कहीं आते जाते ऐसे दिखे ना, तो फिर इसी तरह फिर ऐसे ही मन किया कि नहीं थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हमने 6 फीट करवाया है ये। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ना मेरा बहुत सारा काम है अभी, तो अभी मेरे हस्बैंड ना ये नई दीवार उठी थी, इसी वजह से यहाँ पर पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नई दीवार में पानी, जैसे कि जब किसी का घर बनता है, वैसे तो बहुत लोग लेबर से ही पानी डलवा देते हैं, पर सुबह का वक्त था तो मैंने सोचा कि नहीं, सारा काम जैसे मेरे हस्बैंड ही संभाल रहे हैं तो वही पानी देने का काम भी कर रहे हैं। और इस साइड मैं आप सभी को दिखाती हूँ, जब मैं इस साइड से देखती हूँ ना तो ये वाला रोड काफ़ी ज़्यादा नीचा है। ये भी रोड ही रास्ता ही है, पर ये काफ़ी ज़्यादा नीचे में है। तो यहाँ से जब मैं अपना घर देखती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा ये ऊंचाई पे लगता है, और इधर की साइड से देखती हूँ ना तो बहुत बड़ा घर मुझे लगता है कि बाप रे कितना लंबा घर है। लेकिन आगे फ्रंट से अगर मैं देखती हूँ ना तो काफ़ी छोटा सा पतला सा ऐसे दिखता है। तो और मैं यहाँ पर आप सभी साथ दिखा रही थी कि देखिए वो रोड है जो मेन रोड कहते हैं ना, NH रोड जिसे कहते हैं, वो जो गाड़ियाँ चल रही है वो NH रोड था, तो वो शायद मैं दिखा रही होंगी, अभी मुझे याद नहीं है। और यहाँ पर देखिए मेरी विंडो वगैरह सब इसी साइड है, तो वही मैं देख रही थी इधर से कि सारे, जब ये पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, तो कितना अच्छा लगेगा। अभी तो खाली आप सभी को ईंटें ही ईंटें नज़र आ रही होगी, तो वैसे समझ में नहीं आ रही होगी। और फ्रेंड्स आज मैं शेयर करूँगी यहाँ पर, मैं कुछ शायद बोल रही थी कि यहाँ पर ना जैसे ये खेत दिख रहा था मेरे विंडो से इस साइड की तरफ, क्योंकि इसी साइड ही इधर खाली है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा इधर ही दिखाती हूँ। उस साइड तो घर ही घर बना हुआ है, तो उस साइड मैं दिखा नहीं सकती दूसरों का घर, तो इसी साइड खाली है, तो खेत खलिहान आप सभी के साथ शेयर में कर देती हूँ। और किसी और का घर ऐसे दिखाना सही मुझे नहीं अच्छा लगता है। इधर की साइड ही जितना पाइप का काम है, जितना प्लम्बर का जितना भी पाइप वगैरह था, इसी दीवार में है, लेकिन जब प्लस्तर हो जाएगा ना वो ये सारी चीज़ें छिप जाएगी, प्लस्तर उसके नीचे आ जाएगी, तो फिर दिखेगी नहीं और फिर अच्छा भी दिखेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं ना ये खेत मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर जब से मेरा घर बना है ना बहुत सारी चीज़ों का खेती हो गया है, और वो उस दिन की क्लिप है और ये मतलब दूसरे दिन की है, ये ब्लॉग है जिस दिन मेरा भाई आया था। और उस दिन मेरा भाई जब आया था तो फिर मेरा घर भी देखने के लिए आया था, तो बस अभी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा, तो आपको लग भी रहा होगा ऐसे माहौल देखकर। और फ्रेंड्स देखिए इस साइड ही रास्ता है और इधर की तरफ बहुत सारे घर है, पर फ्रंट की साइड ना मैं नहीं दिखाती हूँ, उतना शो नहीं करती हूँ, फिर ना ऐसे रास्ता वगैरह का शायद पता चल सकता है, ये अच्छी बात नहीं होती है, इसी वजह से मैं नहीं दिखाती हूँ। खाली स्पेस जिधर रहता है उधर मैं शेयर करती हूँ। और आते ही यहाँ पर ना मेरे भाई ने एक ऐसा जोक मारा था, मतलब ऐसे मजाक के तौर पर इतनी हमें हंसी आई,
देख सकते हो हम लोग कितना हंस रहे हैं। आदित्य भी मेरे साथ आया था और वो भी हंस हंस के इतना लोटपोट हो गया। और मजाक ऐसा बात जब वो एंटर हुआ ना, ऐसा कुछ बोला कि मैं अभी यहाँ पर आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर देखिए, फिर मैं अपने भाई को बहुत खुशी खुशी अपना घर दिखा रही थी और फिर वो नहीं आता, इसी वजह से मैंने कहा कि अभी दिखा देती हूँ। पूरे घर में वायरिंग हो गया था और मैंने कहा कि देखो भाई, मेरा मतलब कि ऐसे दो तीन रूम का ये पूरा घर है, छोटा सा ही घर है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो फैमिली है हम लोग के लिए ये सफिशेंट है। और मतलब छोटा बड़ा का वो बात नहीं है, हम लोग इस ठीक है, अभी मेरे लिए ठीक है। कभी अगर फैमिली बड़ी होती है तो देखा जाएगा। और मेरे जो ऐसे रिश्तेदार मेहमान जो होते हैं वो कभी मतलब कोई बसने के लिए तो नहीं आते हैं, वो आते हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे ही रुकेंगे, तो उनके लिए भी अरेंजमेंट हो जाएगी। तो मतलब बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, तो उन सब के जवाब तो मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है मेरे लिए। और मैंने काफ़ी सोच समझ के अपने बजट के अनुसार सारी चीज़ों को देखकर, और ये घर जब बन रहा है ना तो फिर मुझे पता चल रहा है कि पैसे बड़ा घर बनाने से और सोचने से नहीं होता है, सबके पीछे पैसों का खेल है। तो जितनी जिसकी चादर होती है उसको उतना ही पसारना चाहिए, तो मैंने भी उतना ही पसारा है। और यहाँ पर मैं जो भी कुछ मतलब हम लोग में ऐसे भाई बहन में होता है, और हम लोग चाहे कितने भी बड़े हो गए और कितने भी बच्चों की माँ मैं हो गई हूँ, लेकिन ना जैसे हम लोग कभी भाई बहन मिलते हैं ना तो हम लोग में मजाक ऐसे चलता रहता है। और आप देख सकते हो मैं कुछ भी उसको समझा रही हूँ, बोल रही हूँ, तो वो भी मजाक करता है, मैं भी ऐसे मजाक करती हूँ। हम लोग कभी भी जैसे ऐसे मिलते हैं ना तो हंसी मजाक चलते ही रहता है, और मुझे लगता है कि सबकी के साथ ऐसा होता होगा। तो यहाँ पर वो अपनी बातें मुझे बता रहा था, अरे आदित्य यहाँ पे ये करेगा, अरे तुम ऐसे करोगी यहाँ पर, मतलब वो ऐसे मतलब मजाक कर रहा था। तो बस ये हमारी अभी यहाँ पर नोक झोंक हो ही रही थी हम दोनों भाई बहन की। और उसके बाद ना फिर मैं इसको पूरा घर दिखा देती हूँ, छोटा सा तो घर ही है, पूरा घर क्या, और ऐसे लंबा घर है तो ज़्यादा इसमें कोई हम लोग का डिज़ाइन वगैरह निकला नहीं है ऐसे। और फ्रेंड्स मतलब पिछले वीडियो में कमेंट मुझे आ रहे थे कि गली गली ऐसे रह गई है, तो फ्रेंड्स ये गली पता नहीं वीडियो में दिख रही होगी बहुत लंबी सी गली, पर लंबी गली है नहीं, एक ही रूम है, एक ही रूम का जो बाहर है वही गली है, ज़्यादा गली है नहीं। गली के बाद बस वो किचन है, तो मुझे नहीं पता ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं लगता है रियल में, लेकिन हाँ फ़ोन में ऐसे लग रहा होगा जब आप देखते हैं वीडियो तो। और ना चलने में बहुत, यहाँ पर देख सकते हो मिट्टी उबर खाबड़ सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, जब तक यहाँ का फिनिशिंग नहीं होगा ना इस घर का तब तक, और ऐसे भी काम चल ही रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो ठेकेदार है वो तो धोखा दे ही दिया है, और मेरा काम काफ़ी दिनों से बंद था, मतलब जिस मेरा भाई आया था ना उस टाइम ऐसे काम रुका हुआ था, घर बंद था, फिर बहुत दिनों के बाद फिर हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ, और फिर धीरे धीरे हमारा काम चलता ही रहा, जैसे पाइप का काम, फिर नीचे जो प्लम्बर का काम रहता है वो, वायरिंग और खिड़की वगैरह लगना, जाली लगना, वो सब। और यहाँ पर देखिए हम लोग टंकी है, और टंकी भी लगवा चुके हैं, और एक बार मैं बताई दिखाई थी ना कि पिछले वीडियो में कि टंकी रखने वाला बनवाए थे, तो उसके बाद फिर टंकी हमने रखवाया है। पूरा छत मेरा इतना भरा भरा और गंदा गंदा लग रहा है ना, जब तक यहाँ से ईंटें हटेगी नहीं ना तब तक ये ऐसे ही गंदा गंदा लगता ही रहेगा। और जैसे ही ईंटें हम लोग, अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि पीछे एक रूम बनवा दे अगर इतने ईंटें में बनती है, अगर नहीं भी बनती है तो जितना हो सके हम लोग उसको ऊंचा करवा देंगे एक रूम के जैसे, क्योंकि फिर एक रूम ऊपर बन जाएगा ना तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जैसे कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये जो टंकी, नई टंकी है अभी यहाँ पर लग चुकी है, तो जितना हम लोग का पानी का काम था नल का, मतलब वही प्लम्बर का, वो ख़त्म हो चुका है, बस एक बड़ा काम हम लोग का रह गया था पलस्तर का। और फिर मेरे भाई ने बोला कि ठीक है जब ये बन जाएगा ना तब ये अच्छा लगेगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, और उसका यही रिएक्शन है कि ठीक है जब ये बनेगा पूरा तो शायद अच्छा लगेगा, और मुझे नहीं पता कैसा लगेगा, पर ऐसे अभी ईंटें ईंटें नज़र आती है, क्योंकि जब घर का काम होता है तो ऐसे इतना समझ में नहीं आता है।
ये वो देख लिया है घर, और बस अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है ना, बहुत हवा चल रहा है, लेकिन गर्म हवा चल रहा है क्योंकि क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए अयांश खेल रहा है, और आदित्य, ये देखिए आदित्य और उसके मामा गए थोड़ा उस तरफ देखने के लिए, और उसके बाद फिर अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे। वैसे तो इधर यहाँ पर आंगन में छांव है और पूरा घर वो देख रहा था, बोल रहा था अभी ठीक है वो, अभी मतलब कि हम लोग जानते हैं कि अभी इस घर में बहुत काम है क्योंकि घर तो अभी समझिए कि बन गया है, लेकिन इसको फिनिशिंग जब होती है और इसको पूरा मतलब प्लास्टर वगैरह होगा वो करना ज़रूरी है। जो हमारे जो ठेकेदार थे जिनको हमने घर बनाने के लिए दिया था, बात हुई थी पूरा घर कंप्लीट करके देंगे जिस रेट के हिसाब से हमने बात की थी, वो सारा काम कर रहे थे, लेकिन जो ये है आधा अधूरा पे वो छोड़ दिए। वो इतना कोई कोई होता है ना कि बेकार इंसान से पाला पड़ जाना, वही होता है, और इसी वजह से वो अब हम लोग दूसरे ठेकेदार से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम है। तो अभी देखिए तो फ्रेंड्स आदित्य और उसके मामा अब जाकर आए हैं, 10-15 मिनट उनको बस घर ही देखने में लग गया, तब बस हम लोग जा रहे हैं घर।